मुरादाबाद सुनील पुत्र रंजन सिंह निवासी डिलारी को दबंगों ने चाकू घोप कर किया लहूलुहान। जानकारी मिलने पर सुनील पुत्र रंजन निवासी डिलारी सुनील दोपहर को अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ दबंगों ने सुनील को रोककर गाली गलौज करनी चालू कर दी। जब सुनील ने कहा आप मुझे क्यों गाली बक रहे हो, तब दबंगों ने चाकू निकालकर सुनील पर वार करने चालू कर दिए। सुनील शोर मचाता है, इतने में दबंग भाग गए। सुनील लहूलुहान हालत में वहीं गिर पड़ा। परिवार को जब सूचना मिली तो परिवार वाले मौके पर पहुंचे और सुनील को उठाकर थाने पहुंचे, जहां सुनील की हालत देख उसे मुरादाबाद जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां सुनील का उपचार चल रहा है। देवेंद्र कुमार, क्या मामला है? झगड़े की वजह से इन्होंने चाकू मारा हमारे भाई के जंगल में, पुरानी रंजिश की वजह से। किन लोगों ने चाकू मारा था? पंडितों ने। किस बात? गन्ने के खेत में उसको बांध के डाल दिया, मुंह में कपड़ा ठोक दिया, हाथ पैर बांध के डाल दिए। किस समय की बात है? करीब ढाई एक डेढ़ बजे की। क्या हुआ? उन्होंने चाकू मारा, ये जंगल से आ रहा था और अपने खेत पे घूम के आया था। तो कितने लोग थे चाकू मारने वाले? तीन जने थे। तो आपने थाना तहरीर वगैरह दी थी? तहरीर अज्ञात में दी थी, कल बेहोश था ये, तब वहाँ से अस्पताल से रेफर कर दिया यहाँ पे। थाना इंचार्ज ने कहा? थाने इंचार्ज से मेरी कोई बात नहीं है, मैं गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हुआ यहाँ से डेंटल से गया था, भाग के मुझे पता चला फोन पे, तो मैं गया घर पे।